हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे हाथों में दो बैट्स है। एक हाथ में मेरे पास है लेदर बॉल खेलने वाला बैट, यानी कि प्रोफेशनल बैट, आप इसे ड्यूस बैट भी कह सकते हैं, और एक हाथ में मेरे पास है टेनिस बॉल खेलने वाला बैट। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन अ टेनिस बैट एंड अ ड्यूस बैट। तो इस वक्त आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये है एक लेदर बॉल खेलने वाला बैट, यानी कि इसे हम ड्यूस बैट भी कहते हैं, इसे सीजन बैट एक्चुअली कहा जाता है। और अगर हम इसकी बात करें, एक बैट की बात करें, तो एक बैट के दो पार्ट होते हैं कोई भी बैट में। सबसे पहला पार्ट होता है इसका हैंडल और दूसरा पार्ट होता है इसका ब्लेड। एक प्रोफेशनल बैट की बात करें तो एक बैट बना होता है कश्मीर विलो या फिर इंग्लिश विलो से, और जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो खेलते हैं वो खेलते हैं प्रीमियम इंग्लिश विलो बैट से। इस वक्त मेरे हाथों में जो है ये एक कश्मीर विलो बैट है और इसका प्राइस है लगभग 2000 रुपये। जितने भी प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स आप देखते होंगे, तो वो सारे जो उनका जो बैट का जो रेंज होता है वो होता है 60,000 से लेकर के 2 लाख के आसपास। और अगर हम एक बैट की बात करें तो ICC के लॉ के मुताबिक जो इसका लेंथ होना चाहिए, दैट शुड नॉट एक्सीड 38 इंचेस, और इसका जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ वो होना चाहिए 4.25 इंचेस, और इसके जो एजेस होते हैं एक बैट के 1.56 इंचेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया एक प्रोफेशनल क्रिकेट बैट। तो चलिए इस बैट की लंबाई हम जान लेते हैं एक बार। अगर इस बैट की लंबाई अगर हम नापे, ये बैट है लगभग 2 फीट 9 इंचेस के करीब, यानी कि 33-34 इंचेस के करीब है ये इस बैट की लंबाई। जो बल्ले की लंबाई होती है वो 38 इंचेस, यानी कि इतने लंबे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक बैट की लंबाई। और अगर इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये है 4.25 इंचेस, यानी कि एक स्टैंडर्ड बैट की चौड़ाई होती है वही इसकी चौड़ाई है। इसकी जो एज है वो है 1.5। तो ये हो गई एक क्रिकेट बैट की सारी स्पेसिफिकेशंस, और इसी के अनुरूप जितने भी बैट हैं प्रोफेशनल क्रिकेट बैट्स वो बनते हैं, और जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो अपने साइज़ के हिसाब से बैट्स का चुनाव करते हैं। आप देखते होंगे कि अजिंक्य रहाणे, उनका हाइट ज़्यादा नहीं है तो वो ऑब्वियस की बात है कि वो थोड़े छोटे बैट का यूज़ करेंगे, और क्रिस गेल, टिम डेविड जैसे खिलाड़ी जो लगभग 6 फीट से ऊंचे हैं, उनका बैट जो है काफ़ी बड़ा है। और अगर हम एक प्रोफेशनल क्रिकेट बैट के वेट की बात करें, बैट का वेट होता है लगभग 1.2 किलोग्राम से लेकर के 1.5-1.53 किलोग्राम के आसपास। कई सारे जो प्लेयर्स हैं वो लाइटर बैट का यूज़ करते हैं, और कई सारे प्लेयर्स जैसे कि आपने नाम सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी का, वीरेंद्र सहवाग का, सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल, ये जो सारे प्लेयर्स हैं ये हेवियर वेट से खेलना पसंद करते थे। और इस वक्त मेरे पास जो बैट है इसका वेट है लगभग 1.2 किलोग्राम। एक बल्ले की बात करें तो ये होता है उसका हैंडल, और ये हैंडल बना होता है केन वुड से, सिंगापुर केन वुड का यूज़ होता है आमतौर पर जो हैंडल बने होते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट बैट के। और इस हैंडल की बात करें तो ये हैंडल बना है 4 पार्ट से, 4 पार्टों में इस वुड को इसमें चिपकाया गया है, और इन 4 पार्ट्स जो वुड के हैं इनके बीच में रबर का यूज किया गया है, और इन रबर का यूज किया गया है जिस कारण से जब भी आप क्रिकेट में बॉल को मीट करते हैं, बॉल को खेलते हैं, तो आपके हाथों में शॉक नहीं लगता है, और ये जो रबर है ये शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करती हैं। इस कारण से आपको हैंडल में कोई झटका महसूस नहीं होता है जब भी आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। और ये होता है एक बैट का टो, और ICC के लॉ के मुताबिक आप किसी बैट में वुड के अलावा किसी अन्य सब्सटेंस या अन्य किसी मेटल का यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें आप प्रोटेक्टर के रूप में, टो गार्ड के रूप में आप थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं, और जितना कम हो सके उतना कम एडेसिव को यूज़ कर सकते हैं। और ये होता है एक बैट का स्वीट स्पॉट, और इस पर जब गेंदें लगती हैं तो काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करती है क्योंकि इस पर काफ़ी अच्छा एज है। ये है एक लेदर बॉल, और इसी बॉल से प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाता है। जितना भी आप मैच देखते होंगे इंडिया का, और जितने भी ICC टूर्नामेंट्स है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कह लीजिए, या फिर जितने भी IPL के मैचेस होते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस, इसी गेंद से खेले जाते हैं। ये रेड बॉल है, जितने भी जो लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट है वो सफ़ेद गेंदों से खेला जाता है, और इस लाल गेंद का यूज़ होता है टेस्ट मैचों में। तो इसी गेंद को खेलने के लिए इस तरह का बैट बनाया जाता है जो प्रोफेशनल क्रिकेट बैट आप देखते हैं। आप देख सकते हैं इस बल्ले से गेंद लगती है तो कितनी अच्छी आवाज़ आती है, और इसका जो स्ट्रोक है काफ़ी अच्छा है। ये आजकल प्री नॉक्ड आते हैं, पहले जो बल्ले आते थे ये प्री नॉक्ड नहीं होते थे। आप जितने जितने मैचेस खेलेंगे तो ये उड़ दबता था, तब जाके ये नॉकिंग होता था इस बैट का, और जब ये पूरी तरह से नॉकिंग हो जाए इस बैट का तभी आप इससे क्रिकेट खेलेंगे, तो ये अच्छा स्ट्रोक जाएगा इस बैट से। तो ये हो गई एक प्रोफेशनल क्रिकेट बैट की बात। अब हम बात करेंगे एक टेनिस बैट की। तो इस वक्त आप मेरे हाथों में देख सकते हैं एक टेनिस बैट, और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें
तो आप इस बैट की लंबाई से देख सकते हैं, कंपेयर करें तो लगभग इसका जो हैंडल है वो छोटा है, बाकी इसका जो ब्लेड है वो इसी बैट के आसपास है। तो एक टेनिस बैट की बात करें तो इसकी लंबाई आप रख सकते हैं 38 इंचेस के करीब। और अगर हम एक टेनिस बैट की बात करें तो ये टेनिस बैट लोकल वुड से बना होता है। जरूरी नहीं है कि ये जो बैट है उसका जो वुड हो वो कश्मीर विलो हो या फिर इंग्लिश विलो हो। आजकल के जो बैट्स आने लग गए हैं, जो नए मॉडर्न बैट, वो कश्मीर विलो के आते हैं। बाकी जो जितने भी बैट्स बनाए जाते हैं टेनिस बॉल खेलने के लिए, वो लोकल वुड से बनाए जाते हैं। और इसका जो हैंडल है, इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर कोई रबर या फिर शॉक एब्जॉर्बर ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है लगा हुआ है। जब भी आप इस बैट से खेलते हैं, गेंदों को मारते हैं, तो आपको जितना जोर मारेंगे आपके हाथों में थोड़ा झटका महसूस होगा, क्योंकि इस पर कोई एक ड्यूस बैट की तरह, एक सीजन्ड बैट की तरह इस पर कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगा होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है एक बल्ला, ये लोकल वुड का बना है। और इस तरह का गेंद यानी कि एक टेनिस बॉल, इस बॉल को मारने के लिए आप इस बैट का यूज कर सकते हैं। और आजकल के जितने भी जो टेनिस बैट है वो इस प्रकार के बनने लग गए हैं। आप देख सकते हैं ये एक प्रीमियम टेनिस बैट है, ये मॉडर्न तरीके के बैट बने गए हैं टेनिस बॉल खेलने के लिए। ये एक कश्मीर विलो का बैट है, कश्मीर विलो लकड़ी का यूज़ किया गया है, मगर आप देख सकते हैं इसके एजेस काफ़ी बड़े हैं, जिस कारण से इसका जो बैट का जो वेट होगा वो काफ़ी हैवी होगा। और इसी को मैनेज करने के लिए जो पीछे का वुड है, ये जो पार्ट है, इसको निकाल दिया गया है ताकि ये जो बल्ला है थोड़ा सा हल्का हो सके। और टेनिस बॉल जो होता है कंपेरेटिवली लेदर बॉल से हल्का होता है, जिस कारण से आपको बैट भी हल्का होना चाहिए, और इसीलिए इसका जो पिछला भाग है ये निकाल दिया गया है। ये है एक मॉडर्न टेनिस बैट। बैट की वेट की बात करें तो इसका वेट है लगभग 900 ग्राम, यानी कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट बैट से ये काफ़ी हल्का बैट है। और दोस्तों अगर एक प्रोफेशनल क्रिकेट बैट्स की बात करें तो ये जो वुड होता है वो वुड होता है कश्मीर विलो या फिर इंग्लिश विलो का, और इस पर ग्रेन्स होते हैं। आप देख सकते हैं इस पर भी काफ़ी सारे ग्रेन्स हैं, 1, 2, 3, 4, इस पर लगभग 10 से 12 ग्रेन्स हैं। तो इसी प्रकार जब भी आप क्रिकेट बैट परचेज करेंगे तो इस ग्रेन्स को देखना ना भूलें। इसके भी अलग अलग तरह के ग्रेड्स होते हैं, जो प्रीमियम ग्रेड 1 के बैट होते हैं वही प्लेयर्स, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वही इस बैट का यूज़ करते हैं, जो प्रीमियम इंग्लिश विलो का बैट। तो दोस्तों ये था डिफरेंस एक प्रोफेशनल क्रिकेट बैट का, एक लेदर बॉल बैट का और एक टेनिस बैट का। तो हम मिलेंगे इसी तरह से कुछ अलग क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।